दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और पहुंचे हैं हम सब्जी मंडी यह जानने के लिए कि आज टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन जो हमारी लोकल सब्जियां हैं, आजकल जो सब्जी मंडी में आ रही हैं, वे आज क्या भाव रही हैं, ताकि आपको भी इसकी जानकारी हो सके। और हम जानने का प्रयास करेंगे जो बाहर दूसरे राज्यों से खरीददार आए हैं कि हिमाचल का जो टमाटर है इसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। और जानेंगे हम जिमीदारा फ्रूट कंपनी सोलन, जो टमाटर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन दिनों टमाटर के जो वास्तु स्थिति है क्या रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अब टॉपिक पर। ये है सब्जी मंडी सोलन। जैसा आप देख पा रहे हैं, टमाटर बहुत ही जो मात्रा में यहाँ पहुँचा है और बहुत ही लाजवाब टमाटर है। लेकिन इस वर्ष जो जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि टमाटर के रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन समय से बारिश ना हो पाने के कारण और अब बारिश अधिक हो पाने के कारण टमाटर के जो रेट हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही थी कि टमाटर के इस वर्ष बहुत रेट रहेंगे। सभी सब्जियों के दाम इस बारी नहीं बढ़ सके हैं जिस तरह किसान उम्मीद कर रहे थे। तो जानने की कोशिश करते हैं जो राजस्थान के खरीदार हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ से टमाटर खरीदते हैं और दूसरी मंडियों में ले जाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस साल जो सोलन का टमाटर है, हिमाचल प्रदेश का जो टमाटर है, वो किस तरह आगे इसके रेट बढ़ने के आसार हैं या नहीं है, ये जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, आप बहुत यहाँ के अच्छे खरीदार हैं और हर वर्ष आप यहाँ आते हैं, तो मैं अब आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आप ये बताएं कि आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामस्वरूप यादव, अलवर राजस्थान से आए हुए हैं। तो यहां से आप कौन कौन सी सब्जियों की खरीददारी करते हैं? टमाटर और शिमला मिर्च। टमाटर, शिमला मिर्च। हाँ जी। तो जिस तरह हम उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बारी जो टमाटर और शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों के भाव हैं, वो किसानों को अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो मिल नहीं पाए, इसका कारण आप क्या देख पा रहे हैं? इसका कारण ये है साहब, एक तो समय पे पहले बारिश नहीं हुई थी और इस साल अब बारिश लगातार हो रही है ज्यादा, तो उससे क्या है टमाटर की क्वालिटी थोड़ी डाउन आ गई। और उसके बावजूद जो महाराष्ट्र अपने औरंगाबाद है और बेंगलोर, वहाँ से टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में आया हुआ है इस साल। मेन तो औरंगाबाद के टमाटर ने पीट दिया, वहाँ 250 रुपए की रेट चल रही है खरीद की। जी जी जी। तो वो आपके यहाँ 450-450 रुपए में आके मंडियों में लग जाता है, तो उसके मुकाबले अपना टमाटर के भाव नहीं बढ़ पा रहे। एक अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह एक बात मानी जाती है कि जब प्लेन एरिए में पानी बढ़ जाता है और वहाँ का टमाटर खराब होने लगता है, तो हिमाचल प्रदेश के टमाटर का जो भाव है बढ़ता है, तो इस वर्ष आप कैसा देख पा रहे हैं? अभी जो औरंगाबाद और आपके बेंगलोर में बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, आपके यहाँ हिमाचल और हरियाणा वगैरह में ही ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ से बराबर मात्रा में सप्लाई मिल रही है इधर टमाटर की। जी। अगर वहाँ से टमाटर की शॉर्ट सप्लाई चलेगी तो हिमाचल के टमाटर की ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएंगे। जी जी जी। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठाकुर साहब नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, और हम हर वक्त आपसे जो इंटरव्यू के माध्यम से जानते रहते हैं और किसानों तक पहुंचाते रहते हैं कि सब्जी मंडी में जो टमाटर है वो किस भाव बिक रहा है, ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आपके पास जो टमाटर आया है वो कहां से कहां तक बिका है? आज का जो टमाटर का रेट है वो 400 से 450-480 रुपए तक बिका है। जी। अब मैं आपसे ये भी जानने का कोशिश करूंगा कि जो इस बारी अब जो टमाटर आपके पास आ रहा है उसका ग्रेड किस प्रकार का है? अच्छा है, पर जो यहाँ से जो बाहर को जा रहा, दिल्ली के आसपास का एरिया राजस्थान, वहाँ टमाटर मंदा बिक रहा है, जिसके कारण यहाँ भी मंदी छाई हुई है। तो इस मंदे का कारण क्या मान रहे हैं आप? जो बाहर का टमाटर आ रहा है, इसी
गुजरात से जो टमाटर आ रहा है अहमदाबाद का जो नया टमाटर चला है जी जी, यहाँ से जो टमाटर उसी कारण है कि दिल्ली में ज्यादा टमाटर आ जाता है, इसी कारण यहाँ पे महंगा दिखता है। अंत में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अब जो टमाटर के जो आसार हैं, किसान जैसे सोच रहे थे कि इस साल अच्छा रेट मिलेगा हर फसलों का, लेकिन वो नहीं मिल पाया है, तो क्या आप ये देखते हैं कि भविष्य में या आने वाले दिनों में टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं? हाँ, कुछ दिन के बाद, अब जब मौसम आजकल राजस्थान में बारिश काफी हो रही है, अभी पता लगा थोड़ी व्यापारी ने बताया कि नीचे बारिश हो रही है, तो कुछ दिन के बाद बारिश अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, संभावना है कि इस बार जो बात का टमाटर होगा अच्छा बिकेगा। जी जी जी, धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और किसानों को इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू। किसान साथियों, जैसा आपने देखा और जाना, जो टमाटर के रेट आज सब्जी मंडी सोलन में क्या रहे हैं और भविष्य में अब क्या रहने वाले हैं और कैसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, और इन रेटों से आपको लाभ पहुंचे हम ऐसी कामना करते हैं। और क्या रहे हैं आज अन्य सब्जियों के दैनिक बाजार भाव? शिमला मिर्च आज बिकी है 5 रुपए से 23 रुपए प्रति किलो, फ्रांस बीन 35 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो, गाजर बिकी है 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो, बंद गोभी बिकी है 8 रुपए से 12 रुपए प्रति किलो, और फूल गोभी बिकी है 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो। हरा धनिया आज बिका है 50 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो, और मटर हरा आज बिका है 60 रुपए से 65 रुपए प्रति किलो। बैंगन आज रहा है 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो, कद्दू बिका है 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो, और खीरा आज बिका है 8 रुपए से 12 रुपए प्रति किलो। आलू आज रहा है 16 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो, और मूली आज बिकी है 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो। भिंडी आज रही है 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो, और घिया आज रहा है 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो। प्याज आज बिका है 24 रुपए से 27 रुपए प्रति किलो, और करेला आज बिका है 35 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो। लहसुन आज बिका है 35 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो, और अदरक नया और पुराना बिका है 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो। मशरूम आज बिकी है 130 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो, और हरी मिर्च बिकी है 30 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो। पालक आज बिका है 18 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो, और अरबी आज बिकी है 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो। तोरी आज बिकी है 35 रुपए से 40 रुपए, और फलों में सेब बिका है 25 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो। पपीता आज रहा है 30 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो, और नींबू आज बिका है 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो। अनार आज बिका है 50 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो, और केला आज बिका है 17 रुपए से 29 रुपए प्रति किलो। मौसमी आज रही है 60 रुपए से 65 रुपए, और आम आज बिका है 30 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो। अनानास आज बिका है 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो, और अमरूद आज बिका है 25 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो। नाशपाती आज बिकी है 8 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो। ये थे आज के बाजार भाव, और दोस्तों आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतिदिन रेटों की नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।